एक समय पर हमारी धरती पर डायनासोर का राज था। बैल जिस धरती पर आज हम लोग रह रहे हैं, यानी वास्तव में ये धरती हमारी थी ही नहीं। यानी इस धरती पर कई करोड़ साल पहले डायनासोर नाम की एक प्रजाति थी जो कि बहुत ही विशाल और विचित्र दिखती थी। वो इस पर राज करती थी, यानी वो किंग ऑफ अर्थ कहलाती थी। यानी आज के टाइम पर इंसानों ने इस पृथ्वी पर जैसे कब्जा कर रखा है, वैसे ही कुछ करोड़ साल पहले डायनासोर नाम की प्रजाति ने कब्जा कर रखा था। उस समय डायनासोर की 1000 से ज़्यादा प्रजातियाँ और 500 से ज़्यादा वर्ग थे। डायनासोर जो दिखने में विशाल और विचित्र तो थे और उतने ही खूंखार थे। कुछ डायनासोर तो शाकाहारी थे, तो कुछ डायनासोर मांसाहारी थे, तो कुछ डायनासोर बहुत ही विशाल थे, तो कुछ डायनासोर बहुत ही छोटे और क्यूट से थे। तो इतनी खुशहाल प्रजाति जो कि पृथ्वी पर राज करती थी, वो एक ही झटके में कैसे विलुप्त हो गई। आइए आपको ले चलते हैं डायनासोर के उस आखिरी दिन में, जिस दिन डायनासोर ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। आज से 66 मिलियन साल पहले, यानी आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी बहुत ही हरी भरी थी। यानी पृथ्वी पर कोई भी पॉल्यूशन नहीं था। लंबे लंबे पेड़ और बहती हुई नदियाँ और सागर की ठंडी ठंडी उठती हुई लहरें, इन्हीं के बीच में डायनासोर की चिल्लाने और चिंगारने की आवाज़ें जब पृथ्वी पर गूंजती थी, तब पृथ्वी और भी हरी भरी होती जा रही थी। लेकिन कुदरत को तो और ही कुछ पसंद था। डायनासोर उस आखिरी दिन उठे और अपनी दिनचर्या में लग गए। जब यह डायनासोर अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहे थे, तब से 10 करोड़ साल पहले यानी इनकी किस्मत लिख दी गई थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था। वह लगभग पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराते हैं। उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने लगता है, जिसकी रफ्तार लगभग 20,000 मील प्रति घंटे की थी। जब यह एस्टेरॉयड 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद हमारी इस पृथ्वी से डायनासोर का अंत नहीं होता। यह एस्टेरॉयड हमारे उपग्रह यानी मून से टकरा था, यानी चांद से टकरा था। तो हमारे इसी धरती से डायनासोर का अंत नहीं होता, लेकिन प्रकृति को तो कुछ और ही पसंद था। इसीलिए यह एस्टेरॉयड का टुकड़ा चांद के बहुत करीब से निकल गया। 40 किलोमीटर व्यास वाला, 2 ट्रिलियन टन वजन वाला यह एस्टेरॉयड का टुकड़ा प्रति सेकंड पृथ्वी के करीब आता जा रहा था। जब यह पृथ्वी के करीब आ रहा था, तब इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई थी। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक आग के गोले का रूप ले लेता है। रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि इसने 4 मिनट में ही अटलांटिक महासागर को पार कर दिया। इसकी चमक इतनी थी कि धरती पर टकराने से पहले ही पृथ्वी के अधिकतम जीव अंधे हो गए थे। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जाकर जमीन से टकरा जाता है और लगभग 35,000 सेल्सियस से भी अधिक ऊर्जा के साथ एक भयंकर विस्फोट हो जाता है। यह विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर का था। यह विस्फोट इतना भयंकर था कि जिस जगह पर टकराव हुआ था, उस जगह पर धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में उड़ गई और एक धूल के बादल का रूप ले लिया। टकराव से 16 मिनट और 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव के कारण 11.1 तीव्रता की भूकंपी तरंगें उठने लगी। इस कारण समुद्र में विशाल और भयानक लहरों का निर्माण हुआ। इस कारण पृथ्वी के हर एक कोने कोने पर बड़ी बड़ी सुनामियों का निर्माण हुआ और हर एक कोने कोने पर पानी का एक कहर सा ढहने लगा। भूकंपीय तरंगों की वजह से जो मृत ज्वालामुखी पड़े थे, वो सारे ज्वालामुखी एकदम से फूट पड़े, यानी सक्रिय हो गए। जगह जगह पर अब डायनासोर का विनाश होना शुरू हो गया था। पृथ्वी का महाविनाश प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस भयंकर विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी अधिक थी कि इसके
300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जानवर और जीव पूरी तरीके से जलकर राख हो गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच गए थे, लेकिन ये महाप्रलय की शुरुआत मात्र ही थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल आसमान में उड़ गया था, अब वो आग के गोले के रूप में पृथ्वी के हर एक कोने पर बरसने लगा था। इसी के साथ एक बहुत बड़ा धूल का तूफान, जिसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर से भी अधिक थी, वो पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत का सैलाब लेके चला आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, इसकी वजह से पृथ्वी अंधकार में डूब गई। गर्म हवाओं का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया था। इस कारण पृथ्वी पर पेड़ पौधों की आबादी लगभग 90% जलकर राख हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद ये टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया। इस कारण विस्फोट से जो डायनासोर कोसों मील दूर थे, वह भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में कुल 90% प्रजाति विलुप्त हो गई थी। जो 10% प्रजाति इस पृथ्वी पर बच गई थी, उनमें से भी जो कि 30 किलोग्राम वजन से कम था, वही जीव बच पाया था, जिसका मुख्य कारण था भुखमरी। इस महाप्रलय ने 90% पेड़ पौधों को जलाकर राख कर दिया था और भरपूर मात्रा में खाना नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, किसी दूसरे के लिए जब बुरा होता है ना, तो किसी न किसी के लिए वह चीज भलाई का एक रूप लेके आता है। इसी के साथ छोटे जानवरों को एक सुनहरा मौका मिला था इस पृथ्वी पर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने का। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।